जो भी राजनीतिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि मैं वो कल्पनाओं से सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। लोग ये कहते हैं, लोगों ने ऐसा कहा जी, ऐसे लोगों पर कैसे बोलूंगा, संभावनाओं पर प्रतिक्रिया कैसे दूंगा। आप गृह मंत्री हैं जी, NCRB का डेटा ये कहता है कि मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित है। केंद्र सरकार की एजेंसी का डेटा है। बताइए मंत्री जी, फिल्में देखते हैं आप? नहीं। फिल्मों पे बयान तो खूब आते हैं आपके? निश्चित आते हैं। नहीं आते, बिना देखे कैसे बता देते हैं आपकी? उतना देखते हैं जब, अच्छा रेलेवेंट पोर्शन देख के बयान, जब कोई शिकायत आती है तो देखते हैं उतना। पठान फिल्म देखी आपने शाहरुख खान की? नहीं, फिल्म नहीं देखी मैंने। नहीं देखी। गाना देखा था? देखे थे। बेशरम रंग? बिल्कुल देखा। क्या गड़बड़ लगी आपको उसमें? नहीं, मैंने तो बताया था ना कि जिस तरह से भगवा के बारे में प्रतिक्रिया दी गई थी वो नहीं देना थी। कि सेंसर बोर्ड तय करेगा फिल्म में सीन क्या होगा या मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र तय? सेंसर बोर्ड तय करेगा। एक सनी लियोनी का गाना आया था, मधुबन में राधिका नाचे, आपने देखा गाना? देखा। क्या आपको आपत्तिजनक लगा? मेरे को आप सिर्फ इतना मार्गदर्शन कर दो, क्या इस सब के लिए हिंदू धर्म ही है क्या? विद्यापति का नाम सुना है आप? पति विद्यापति का? नहीं। विद्यापति आदिकाल के एक बहुत महान कवि हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण पर, राधा पर, उनके प्रेम पर हजार बरस पहले लिखा, खूब गाया जाता है और उसमें खूब श्रृंगारपूर्ण वर्णन है। तो ये कोई अब की परंपरा नहीं है जब कृष्ण और राधा के जरिए अभिसार की बात की जाए। परंपराएं कब की भी हो, जब जागे तब सवेरा होता है। सब्यसाची मुखर्जी को जानते हैं आप? सुना है नाम, नाम मशहूर डिजाइनर है, है ना? उनके एक इश्तेहार पर भी आपको ऑब्जेक्शन था, आपने कहा 24 घंटे में नहीं हटाया एड तो कानूनी कार्रवाई करूंगा, केस दर्ज करूंगा। कहा जी? और हटाया उनने? तो हटाएंगे ही ना, आप होम मिनिस्टर हो, कौन बैठेगा आपसे? और आप मेरी बात का जवाब ना देके बंद हुए विषयों को जो खुल रहे हो वो भी आपने कहा मुझसे पूछ लो बयान पे, मैं पूछ रहा हूँ। सेंसर बोर्ड को अधिकार है वो, और उसके बाद भी अगर किसी को आपत्ति है तो न्यायालय स्वतंत्र है, उसके पास जाना चाहिए। आप कहाँ जाते हैं न्यायालय, आप तो सीधे बोलते हैं हटाओ वरना कार्रवाई। भारतीय संस्कृति में हमेशा सुधारवादी रही है। और किस किस तरह के सुधार होने चाहिए नरोत्तम जी? जिस तरह के सामने आते जाएंगे सुधार के लिए अपनी अपनी बात रखते जाएंगे। समलैंगिकों के बारे में क्या सोचते हैं आप? ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है अभी। अभी बता दीजिए। ना अभी बताऊंगा। क्या आपको लगता है कि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार मिलना चाहिए? मैं इस तरह की बात करूंगा ही नहीं, मैं कानून मंत्री भी हूँ। आप विधायक हैं? हूँ। आपको विधान बनाने का दायित्व मिला है? मिला है, मिला है। आपकी PhD BC पे है? जी हाँ। मैं विधायक जी से जब कानून सम्मत चीज पूछ रहा हूँ कि समलैंगिक विवाह पे क्या सोचते हैं तो आप कह रहे हैं मैं कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, उसको करना भी नहीं चाहिए। मॉब लिंचिंग को लेके क्या सोचते हैं मंत्री जी आप, ये सही है गलत है? क्या मॉब लिंचिंग? भीड़ के द्वारा किसी को पीट पीट के मार डालना। नहीं, सभी उसको गलत कहें। मध्य प्रदेश में इस तरह की बहुत घटनाएं आई हैं। कोई घटना नहीं है, बताओ एक दो चार महीने की हो तो। लिस्ट तो बड़ी लंबी है, एक ही बता दो आप। अप्रैल 2023 खंडवा में एक व्यक्ति को पीट पीट के मार डाला जाता है। अगस्त 2022 सिवनी में गो तस्करी के आरोप में गोरक्षक एक व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालते हैं। सिवनी में मई 2022 दो गोंड आदिवासियों, मिल सब वही हमारे ही लोग रहे होंगे। मैंने तो अभी तक नहीं कहा कि आपके लोग, बता रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा आपके लोग, आप जैसे कोई भी लोग। मैंने ये कहा होम मिनिस्टर जी कि प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही हैं, आपने उदाहरण मांगा, मैंने गिना दिया। ये एक भी नहीं है इस तरह का, जिस तरह के प्रस्तुत किया गया है वैसा नहीं है ये। ये मॉब लिंचिंग नहीं थी? नहीं। क्या था? ये घटना थी, क्रिया की प्रतिक्रिया थी ये। और इस प्रतिक्रिया पे क्या सोचते हैं गृह मंत्री? लोकतंत्र है, इसमें तो सुधार की संभावनाएं सदैव बनी रहती है। धीरे धीरे शने शने लोकतंत्र नीचे उतरता जा रहा है, ये अच्छी बात है देश के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए। आप कह रहे हैं लोकतंत्र नीचे उतर रहा है, मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में लोग कहते हैं कि लोकतंत्र हवाई जहाजों पर चल रहा है। आपके विपक्षी कहते हैं नरोत्तम मिश्रा के पास 4-5 विधायक हैं, नरोत्तम मिश्रा कहते हैं 4-5 नहीं 15-20 हैं। क्या हुआ था 2020 में? विपक्षी अपना घर नहीं संभाल पाए तो किसी दूसरे पे आरोप लगाएंगे। संजय पाठक को जानते हैं आप? खूब अच्छे से, मेरे साथी हैं, विधायक हैं। सबने बताया कि वित्तीय प्रबंधन में माहिर हैं और नरोत्तम जी के आशीर्वाद से उन्होंने जब ऑपरेशन कमल हो रहा था तो खूब सक्रिय भूमिका निभाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया से कब कब बात होती है? मैं समझता हूँ हर महीने बात होती है। इमरती देवी जी से भी बात होती है? निश्चित रूप, सभी से बात करते हैं, पार्टी के अंदर किसी से कोई मतलब, ऐसा कोई नहीं जिससे मेरा बोला चाला बंद हो। आप बहुत खिलाफ हैं इमरती देवी को दोबारा टिकट दिए जाने के? नहीं, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ उनके। कैमरे के सामने तो कह रहे हैं
लेकिन सबने कहा कि उपचुनाव में आपका सहयोग जो आपको सबने हैं वो कौन है ये पता नहीं है ना मुझे, क्योंकि मेरा अगला सवाल भी आप कल्पना के ब्रैकेट में डाल सकते हैं, पर पूछना मेरा काम है। नहीं, पूछना भी चाहिए। क्या आप अपनी विधानसभा सीट बदलना चाहते हैं? नहीं। वहीं से लड़ेंगे? जी हाँ, दतिया से। अगर पार्टी टिकट देगी तो। वाह, ये तो एकदम समर्पित कार्यकर्ता वाली बात हो। समर्पित ही हैं हम लोग। कब आएगा नरोत्तम जी का नंबर, कब उनकी निराशा आशा में बदलेगी और कब वो मंत्री से मुख्यमंत्री बनेंगे? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहने कोई खाली है क्या हमारे यहाँ कोई जगह?